हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और सबको हैप्पी न्यू ईयर। और ये वीडियो मैं आज ही एडिट कर रही हूँ और आज है 1 तारीख। तो मैंने बोला था आपको सरप्राइज़ दूँगी, तो ये है वो सरप्राइज़, माय न्यू होम। तो फ़िलहाल इधर चल रही है पूजा की तैयारी। और कल किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप गुजराती शिफ्ट हो रहे हो क्या, तो जी मेरे काम की वजह से मुझे शिफ्ट होना पड़ रहा है, बट परमानेंट नहीं हो रही हूँ, मतलब आना जाना लगा रहेगा। तो फ़िलहाल अभी यहाँ चल रही है पूजा की तैयारी और रेंटेड हाउस है, 2 BHK फ्लैट है ये। और मैं आपको भी लास्ट में होम टूर दे दूँगी, तो आप लोग देख लेना आपको कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे पंडित जी तैयारी कर रहे हैं और मुझे अभी रेडी होना है, मतलब मैंने अभी रेडी नहीं हुई, साड़ी पहनना है क्योंकि कल तो हम लोग आए थे। मतलब वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ, ये जो वीडियो है उसके मैं 1 दिन पहले ही आई थी और उसके बाद से पूजा की तैयारी मतलब करने में टाइम हो गया, 1 दिन में ही सारी तैयारी की। और यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे आपको मतलब कुछ भी नहीं लेके आना पड़ता है, जो आप पंडित जी बोलते हो ना तो पंडित जी खुद ही सब सामान अपने साथ लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चौखट पे पूजा करवा रहे हैं और वीडियो थोड़ी फास्ट रखिए क्योंकि लोगों को मंत्र और ये सब सुनने की ज़्यादा शौक नहीं रहता है, इसीलिए फटाफट वीडियो मैं डाल रही हूँ, नहीं तो ये 20 मिनट की वीडियो थी। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और होम टूर के साथ साथ मैंने नए घर के लिए क्या क्या लिया वो भी इसके बाद वाली ब्लॉग आएगी, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे देना। और चैनल पे जो न्यू है उनको पता है सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन हिट करना है। तो यहाँ पर चल रही है अभी डोर पर मैं बैठी हूँ, पूजा चल रही है और डे बाय डे मतलब मैं क्या काम करने वाली हूँ और किस लिए आई हूँ ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग एक मेरी फैमिली की तरह हो, इसीलिए सारी बातें आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए अभी चौखट की पूजा हो रही है और ये पूजा होने के बाद से फिर अंदर पूजा होगी। पूजा ज़्यादा टाइम नहीं चली, 1-1.5 घंटा ही चली, बट सारा रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ कुछ पार्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो अभी मैं कलश लेके अंदर चली जाऊँगी और उसके बाद से पूजा पर बैठूँगी। मैं रेडी भी नहीं हो पाई, मैंने बैंगल्स भी नहीं पहने, इतना घाई घाई हो गया, बैग में सारी चीज़ें थी, मुझे पूरा बैग खोलना पड़ता सब कुछ, और पंडित जी को टाइम भी नहीं था क्योंकि उनको एक शादी भी करवानी थी इसलिए। तो यहाँ पे चल रही है अभी पूजा और उसके बाद से फिर मैं मंदिर भी दिखाऊंगी कि मैंने घर के लिए कौन सा मंदिर लिया है। तो चलिए फटाफट ये पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मैं मिलती हूँ।
और हॉल में की आरती ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे मैं किचन में की आरती कर रही थी और यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गई है, तो अभी मैं यहाँ से उठ जाऊँगी। सारा मतलब जो भी है वो जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे मैं कर रही थी, तो सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे। अच्छा लगे तो पता है क्या करना है, और घर की पूजा है मैं क्या बताऊँ। और मतलब अभी ना कैसे हो गया कि मुझे सारा चीज़, मतलब ज़्यादा सामान मैं नहीं लाई हूँ, थोड़ा ही लाई हूँ, बाद में मैं जाऊँगी। और इस समय मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो मैं दो दिन पहले ही मुंबई से वापस मैं गुजरात आई हूँ, यानी दो ट्रिप हो चुकी है मेरी मुंबई टू गुजरात। और यहाँ पे देखिए मेरे पास गैस नहीं था, क्योंकि मेरा गैस ऑर्डर किया था तो आया नहीं था। और यहाँ पे मैं इंडक्शन, जो यहाँ मित्तल रहती है मेरी फ्रेंड, उनसे मैंने इंडक्शन लेके अभी यहाँ पे दूध और ये सारे की पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं आपको होम टूर दे रही हूँ, तो ये पूरी गैलरी है, आपको देख सकते हो, और बहुत ही अच्छा लगता है। प्लीज़ वॉइस, बैकग्राउंड नॉइज़ को आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि मेन रोड पे ही है ना ये। और इसके नीचे मॉल है, मैं मॉल में भी जाऊंगी सामान लेने के लिए, जिनका मॉल है उनका ही ये पूरा है। तो यहाँ पे दीदी है, और यहाँ पे देखिए खुश क्या कर रहा है। और ये है हॉल, और यहाँ पे जीजा जी का हाथ भी थोड़ा सा मतलब बाथरूम से गिर गए थे तो टूट गया, मतलब टूटा नहीं, फ्रैक्चर आ गया है, तो पट्टी लगाया और यहाँ पे दिया। और साथ में ये बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, इसमें वॉशरूम वगैरह दिया है। मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ। फ़िलहाल अभी इसके अंदर नल वगैरह कुछ भी नहीं लगा है, क्योंकि न्यू फ्लैट है, किसी ने यूज़ नहीं किया है, फर्स्ट में ही ले रही हूँ इसको। और यहाँ पे देखिए अभी नल वगैरह कुछ भी नहीं लगा है, इसके बाद ये लोग नल वगैरह लगा देंगे, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कि कैसा नल लगाया है। और बहुत ही अच्छा है, वॉशरूम वगैरह बहुत बड़ा है, दो विंडो है इसके अंदर, और आप लोकेशन देख सकते हो और व्यू देख सकते हो विंडो से। और यहाँ पे ये डाइनिंग एरिया दिया है इतना बड़ा, अगर मुंबई में ऐसे फ्लैट रहते तो बचता ही नहीं, सब बिक जाते। और ये है किचन, मुझे जैसा किचन चाहिए था वैसा इसमें किचन मिला, खुला खुला बड़ा बड़ा। तो यहाँ पे किचन है, और मंदिर सामने रखी हुई है, तो मंदिर लेने गई थी, वो वीडियो मैंने बनाई है अलग से, आप लोग चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे देखिए पूरा ये सेकंड है, इसको मैं स्टूडियो रूम बनाने वाली हूँ, और साथ में पीछे भी गैलरी दिया है वॉशिंग वगैरह, वॉशिंग मशीन रखने के लिए। अभी पूरा डस्ट हुआ पड़ा है पीछे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टैप दिया है, उसमें नल लगाया है, बाकी और कुछ नहीं किया है, सारा नल वगैरह बाकी है। तो कैसा लगा आपको ये हाउस, जो भी है आप जो भी बोलो फ्लैट, कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करना। और ये बाथरूम तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें एक बोलते हैं ना इतना लंबा है कि एक खाट डाल सकते हैं उसके अंदर, इतना बड़ा है। तो इसमें ग्लास लगा सकते हैं बीच में, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया है, इन्होंने सेपरेट ही रखा है। और साथ में ये होम टूर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, और मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा ज़रूर बताना। तो यहाँ पर नए घर के लिए ना कुछ सामान मैं ले रही हूँ, तो वही देख रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ जार वगैरह मेरे पास ना कांच के ग्लास के जार में वहाँ से के नहीं आए, सॉल्ट रखने के लिए, कभी भी ना आप सॉल्ट रखते हो ना तो कांच के ग्लास के जार में ही रखो। और ये कुछ डब्बे बकेट वगैरह लिए हैं, और नीचे से कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेके आई। और यहाँ पे मैंने पहली बार नए घर में दाल राइस सब्ज़ी कुछ बनाया है। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।